मेरे भाई, आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये वीडियो को स्किप मत करना। बस तुम्हारे ये भाई के लिए 4 मिनट निकल के लास्ट तक देखना, ज़्यादा तो टाइम नहीं है, बस 4 मिनट का बात है, ज़रूर देखना। जय श्री महाकाल, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर। मैं आके कल शाम को रामनगर माँ मंदिर में रुका था, तो अभी सुबह हो चुका है तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मेरा सामान फान सब कुछ मैं रेडी कर लिया और उसके साथ मैं भी रेडी हूँ। और भाई क्या बताऊँ, दिल में बहुत दर्द है भाई। सच बताऊँ तो भाई, जिसके लिए मैं निकला था वो अभी मतलब नहीं है, दुनिया छोड़कर चले गए भाई। जो मैं मेरा नानी के लिए निकला था भाई, केदारनाथ जा रहा था, लेकिन वो कल गुजर गए। तो भाई चलो भाई, कोई बात नहीं, मेरा नस में क्या था मुझे तो पता नहीं। लगभग 7 बजने वाला है, तो भाई मूड बहुत ख़राब है, दिल में बहुत दर्द है और अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई पता नहीं मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आखिर में कुछ मतलब मेरे को कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तो भाई आज मैं ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, बस 20 किलोमीटर में मैं रुक जाऊँगा एक मंदिर में। तो वहाँ पे मुझे 2-3 दिन रुकना है, क्योंकि अभी मेरे को आगे जाने का मन नहीं है। तो भाई सोचा था भाई अयोध्या केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करके मैं उड़ीसा वापस चला जाऊँगा, लेकिन भाई मुझे घर नहीं जाना है यार। मैं अभी तो जिसके लिए मैं निकला था वो जिंदा नहीं है, तो घर जाके मैं क्या करूँगा। दुनिया में गए लेकिन मेरे पास वो अभी तक है। मेरे भाई अब मेरा ये साइकिल यात्रा का नया मोड़ है, तो मेरा टारगेट था अयोध्या केदारनाथ और बद्रीनाथ, लेकिन अब से मेरा यात्रा का नया मोड़ होगा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। और ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम मैं मेरा नानी को लेके जाऊंगा। और भाई और एक बात मैं जो शायद किसी वीडियो में नहीं बताया था, तो भाई विदाउट मनी मतलब बिना पैसे से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो भाई मैं किसी को पैसा नहीं मांगने वाला हूँ, बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप लोग जी जान लगा के मेरे चैनल को सपोर्ट करो, जितना होगा उतना शेयर करो भाई, जितना होगा मेरे वीडियो को इतना शेयर करो और जितना होगा मेरे चैनल को उतना शेयर करो भाई, ताकि मेरा चैनल थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो जाए और मेरे को खाने और पीने का कोई दिक्कत ना होए। तो भाई मेरे को तो इतना भरोसा है, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगी मेरा ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम साइकिल यात्रा करने में। तो भाई मेरा ये भरोसा को तोड़ना मत भाई। आज तो मैं कोई साइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, तो भाई कल भी मैं रुक जाऊंगा इस मंदिर में, फिर परसों भाई जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। तो भाई कुछ तो भुलाना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे मैं ये सब साथ लेके जाऊंगा तो भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। मेरे को मेरे नानी को 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम घुमाना है, तो भाई सपोर्ट करो। यहीं पर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग खत्म होता हूँ। जय श्री महाकाल।